नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बींग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपके साथ ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जैविक खेती में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कभी आपने सुना है कि आप ही के खेत की मिट्टी से आप अपने खेत की फसल को पोषण भी दे सकते हैं और साथ ही साथ कीटों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, पर यह सच है कि आपके खेत की जो मिट्टी है उसका एक प्रॉपर तकनीक के साथ इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर घोल तैयार कर सकते हैं और अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बड़े से बड़े कीट पर भी बहुत आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं इस ही खेत की मिट्टी द्वारा। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं CVR सॉइल तकनीक के बारे में। ये एक बहुत ही शानदार तकनीक है फ्रेंड्स, जिसके थ्रू, जिसके उपयोग से किसान भाई बिना किसी खर्च के और बहुत ही कम मेहनत में एक शानदार फसल का उत्पादन ले सकते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या है CVR तकनीक, सॉइल तकनीक, कैसे इसे उपयोग किया जाता है, किन किन फसलों पर इसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार हम इसका पोषण के लिए उपयोग करें और किस प्रकार हम कीट प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूँ CVR सॉइल तकनीक की, तो इसका पूरा जो नाम है वो चिंतला वेंकट रेड्डी जी के नाम पर रखा गया है, CVR चिंतला वेंकट रेड्डी जी। ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ही कहेंगे आप इन्हें, जो लगातार जैविक खेती के लिए काम करते आ रहे हैं। इन्हें अपने जैविक खेती में जो योगदान है, जो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण एक योगदान दिया है जैविक खेती में, उसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो आप सोचिए कि किस स्तर का काम हमारे जीवन में ऐसे लोग कर रहे हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन चीज़ों में लगा दी है, सिर्फ उन चीज़ों की खोज करने के लिए कि किसान कैसे कम से कम खर्च में बेहतरीन उत्पादन ले सकता है। तो आइए बात करते हैं CVR सॉइल तकनीक की। नाम तो जैसे मैंने आपको बताया, रेड्डी जी के नाम पर CVR सॉइल तकनीक इसका नाम रखा गया है। क्या होता है CVR सॉइल तकनीक में? दोस्तों, CVR सॉइल तकनीक में हम दो तरह की मिट्टी का उपयोग करेंगे। पहली है टॉप सॉइल, दूसरी है सब सॉइल। जी हाँ, टॉप सॉइल से मतलब है आपके खेत की जो मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह से 3 इंच तक की जो मिट्टी है वो आपकी आती है टॉप सॉइल में। अब बात करते हैं सब सॉइल की। जब आपके टॉप सॉइल आप निकाल लेते हैं, 3 इंच तक की आपने मिट्टी इकट्ठी कर ली है, उसके बाद में आप 3 इंच तक की जो मिट्टी है वो आपको 15 किलो इकट्ठी करनी है 1 एकड़ के लिए। जी हाँ, यहाँ पर जो मैं बात करूँगी वो 1 एकड़ के लिए करूँगी। ये अनुपात आगे पीछे भी हो सकता है, पर एक जो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आपको 1 एकड़ के लिए 15 किलो टॉप सॉइल लगेगी और 15 किलो सब सॉइल लगेगी। तो पहली ऊपरी सतह से लेकर 3 इंच तक की जो मिट्टी है वो आपकी हो जाती है टॉप सॉइल। और जब उस जगह से आपको खोदना है, 3 फीट तक आपको खोदना है, 3 फीट के बाद में 3 फीट से 5 फीट के बीच की जो मिट्टी आएगी वो होती है सब सॉइल। इस तरीके से आप टॉप सॉइल कलेक्ट कर लीजिए 15 किलो और सब सॉइल कलेक्ट कर लीजिए 15 किलो। तो ये तो बात हो गई कि मिट्टी कैसे निकालें, अब हमें इसका उपयोग किस प्रकार करना है। दोस्तों, टॉप सॉइल और सब सॉइल का उपयोग हमें दो तरीकों से करना है। पहला, यदि आपको फसल को पोषण प्रदान करना है उसकी एक अलग विधि है, यदि आपको फसल पर कीट नियंत्रण करना है तो उसकी विधि अलग है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। यदि आपको फसल पर पोषण के लिए स्प्रे करना है तो आप सबसे पहले 15 किलो टॉप सॉइल ले लीजिए और 15 किलो सब सॉइल ले लीजिए। अब इन दोनों मिट्टियों को आपको एक 200 लीटर पानी का ड्रम लेना है, उसे पूरा आपको पानी से भर देना है और टॉप सॉइल और सब सॉइल को उस पानी में घोल देना है और लकड़ी के डंडे की सहायता से आपको अच्छे से इस मिट्टी को मिक्स कर लेना है। कहीं से भी मिट्टी में कोई ऐसा डल्ला ना रह जाए, ऐसा हार्ड सा पार्ट ना रह जाए, पूरी मिट्टी, पूरी सॉइल आपके पानी में अच्छे से घुल जानी चाहिए। बहुत मेहनत नहीं लगेगी, बहुत कम टाइम में आपकी सॉइल अच्छे से पानी के अंदर घुल जाएगी। जैसे ही आपका पूरा मिट्टी मिक्स हो जाती है पानी में, आप उसे किसी छलनी या कपड़े की सहायता से छान लीजिए और स्प्रे पंप में भरकर आप अपनी फसल पर स्प्रे स्टार्ट कर दीजिए। आपको इसे डाइल्यूट नहीं करना है, इसमें ऊपर से कोई पानी नहीं मिलाना है, जो आपने छाना है आपको एज इट इज उसका उपयोग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो बात हो गई हमारी पोषक तत्वों की। अब यदि मुझे कीट प्रबंधन के लिए अपनी फसल पर CVR तकनीक का यूज़ करना है
तो मैं सिर्फ सब सॉइल का यूज़ करूँगी। मैं 30 किलो सब सॉइल आपको लेनी होगी और उस सब सॉइल को सेम आपको 200 लीटर के पानी के ड्रम में घोलना है और उसे छान कर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। अच्छा, सब सॉइल में ध्यान रखने वाली बात होती है कि सब सॉइल जब आप लेंगे तो आपको पानी को हिलाने के तुरंत बाद में छान लेना है। मतलब कि कीट के लिए जब आप CVR तकनीक का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पानी में कुछ मात्रा में मिट्टी आनी चाहिए। जब आप आपकी फसल पर सबसॉइल का स्प्रे करें तो आपको उस पर एक आपके पत्तों पर मिट्टी की एक पतली सी परत दिखाई देनी चाहिए, तब इसका काम प्रॉपर होगा। अगर आपने इसे ज़्यादा ऐसा एकदम पतले फॉर्म में लिया है तब इसका असर उतना नहीं होगा। तो सब सॉइल में ध्यान आपको यही रखना है कि जब आप इसका स्प्रे करें तो पत्तों पर आपको मिट्टी दिखाई दे, तभी ये अपना प्रॉपर काम करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? जो सब सॉइल होती है वो कुछ चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, तो जब वो मिट्टी आपके पत्तों पर आपकी फसल पर चिपकती है तो जो कीट होते हैं या कीट के जो अंडे होते हैं उन पर जब आप सब सॉइल का स्प्रे करेंगे तो उनकी श्वसन क्रिया रुक जाएगी, जिससे कीट जहाँ है वहीं ख़त्म हो जाएगा। जो अंडा है जो जहाँ हुआ है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जब हम सब सॉइल का स्प्रे करेंगे कीट नियंत्रण के रूप में, तो हमें उस पानी को थोड़ा सा मोटा लेना है कि स्प्रे करते टाइम पत्तों के ऊपर मिट्टी रहे और वो मिट्टी जाकर उन कीटों पर या उनके अंडों पर चिपक कर उन्हें तुरंत वहीं पर रोक दे। इस वजह से कीट नियंत्रण बहुत स्पीडली आप CVR सॉइल तकनीक से कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो टॉप सॉइल में पाए जाते हैं और कुछ पोषक तत्व होते हैं जो सिर्फ सब सॉइल में पाए जाते हैं, और इसी के चलते हम दो तरीकों से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात हो गई कि आप पोषक तत्वों के लिए कैसे उपयोग करें और कीट नियंत्रण के लिए कैसे उपयोग करें। जब आपकी फसल में यदि आप पोषण के लिए इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप शुरुआती अवस्था से, फसल की शुरुआती अवस्था से इसका स्प्रे शुरू कीजिए। स्टार्टिंग से ही, जैसे आपकी पौध 15 दिन की हो जाए, आप हर सप्ताह जो आपका सब सॉइल और टॉप सॉइल का मिक्सचर है आप उसे स्प्रे कीजिए। लगातार हर सप्ताह आप इसका स्प्रे कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट्स आएंगे। और जब कीट के लिए आप इसका उपयोग करें तब भी आप कोई भी फसल हो आपकी, उसकी शुरुआती अवस्था में, स्पेशली जब फूल आने लगते हैं, शुरुआती अवस्था से मतलब है जब फूल आने लगते हैं, आप उस समय से, चाहे फसल में कीट हो ना हो, आप सब सॉइल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, कीट आने के पहले ही आप उसका नियंत्रण कर चुके होंगे, आप उसका समाधान शुरू कर चुके होंगे। और यदि आपकी किसी फसल में कीट लग भी जाता है तो भी आप लगातार हफ्ते में 3 बार इसका स्प्रे कीजिए। जी हाँ, हफ्ते में 3 बार आप इसका स्प्रे कीजिए। उससे क्या होगा, कुछ मादा कीट ऐसे होते हैं दोस्तों जो सब्जियों के फूल हो गए उनके अंदर जाकर अंडा देते हैं, तो इससे जब वो फूल फल में कन्वर्ट होता है तो वो ऑलरेडी ख़राब ही बन रहा होता है। जैसे आप बैंगन की फसल देख लीजिए, ये जो कुछ फसलें होती है इनमें अंदर की साइड से ही वो अंडा दे देता है और फल के साथ में उनका जो भी कीट है वो भी बढ़ता है, तो इससे एक भारी मात्रा में उत्पादन में कमी आ जाती है। तो यदि आप अपनी फसल के फूल वाली अवस्था से ही सब सॉइल का स्प्रे स्टार्ट कर देंगे तो आप इस परेशानी से पूरी तरह से बच जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जब आपकी फसल पे फूल आने लगे आप तब से ही सब सॉइल का स्प्रे करें, और जो टॉप सॉइल और सब सॉइल का जो मिक्सचर आप यूज़ करने वाले हैं उसे आप आपकी फसल की स्टार्टिंग अवस्था से ही डालना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपको किसी भी तरीके की कोई भी पोषक तत्वों की कमी आपकी फसल में नहीं आएगी और वजन भी बहुत अच्छा बैठेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप शुरुआत से ही इसका स्प्रे शुरू कर दीजिए। अब बात आती है किन किन फसलों पर आप CVR सॉइल तकनीक का यूज़ कर सकते हैं। टोटल सारी फसलों पर आप इसका उपयोग कीजिए। धान हो गई, मक्का हो गई, सब्जियां हो गई, जो भी फसल आप लगाते हैं आप उस पर इसका स्प्रे कीजिए। सारी फसलों पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सोचिए, अगर व्यक्ति को पद्मश्री मिला है किसी काम के लिए तो डाउट करने वाली बात ही नहीं हो सकती। और बहुत से किसान भाई हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो चने की फसल में जो इल्लियों का प्रकोप आता है, आप CVR सॉइल तकनीक से इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जिस बीमारी पर रासायनिक दवाइयां तक काम नहीं करती है उस पर आप CVR सॉइल तकनीक से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जो टिड्डी दल का आक्रमण होता है, प्रकोप होता है, आप उसे भी इससे कवर कर सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बैंगन में जो फूल में मादा कीट जो अपना बच्चा दे देती है, अपना अंडा दे देती है, जिससे नुकसान होता है, आप उस पर भी इससे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप CVR सॉइल तकनीक का उपयोग पोषण के लिए और कीट नियंत्रण के लिए, दोनों के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बताइए, आपको ही खर्च हुआ आपका? नहीं हुआ ना। आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके खेत में ऐसी जगह नहीं है या ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है कि आप उस खेत की मिट्टी का उपयोग कर सकें, तो आप चाहें तो आपके पड़ोसी खेत से भी आप मिट्टी लाकर उपयोग कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि पहले आप ही के खेत की मिट्टी हो, अगर ना हो पाए तो आप दूसरे खेत की मिट्टी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात होती है जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने फील की है, हमारे साथ हुआ है, तो वो गलती आप ना दोहराएं। हमेशा इसका उपयोग छान कर ही करें। अगर आप बिना छाने इसका यूज़ करते हैं तो ये पंप की नोज़ल में फंस जाएगा, उसे आपका नोज़ल ब्लॉक हो जाएगा। तो हमेशा जब भी इसका उपयोग आप करें तो इसे उपयोग के पहले छान लें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी CVR सॉइल तकनीक के ऊपर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसी चीज़ें इस चैनल पर शेयर करें जिससे किसान कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सके, उसका जो आर्थिक स्तर है धीरे 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 इम्प्रूव हो सके। जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं उसकी मजबूती की बात करूँ तो सिर्फ उसी कंडीशन में आ पाएगा जब उसकी लागत कम होगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इसी तरीके वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।